दोस्तों मूलकी के अपकमिंग एपिसोड में साक्षी खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाएगी। तो क्या पूर्वी साक्षी की जान बचा पाएगी? दरअसल शो की कहानी में एक नया तूफान आने वाला है पूर्वी और वीरेंद्र की जिंदगी में, क्योंकि जहां साक्षी को वो सब कुछ सच पता चल जाएगा कि वीरेंद्र अब साक्षी से नहीं बल्कि मूलकी से यानी कि पूर्वी से प्यार करने लगा है। ये बात जानने के बाद साक्षी पूरी तरह से टूट जाती है। अब आने वाले एपिसोड में प्रकाशी देवी और अंजलि फिर से इस मौके का फायदा उठाएंगे और साक्षी को फिर से भड़काएंगे वीरेंद्र और पूर्वी के खिलाफ। वहीं अंजलि पूर्वी के पास जाएगी, उसे बताएगी कि भाभी साक्षी को सब कुछ पता चल चुका है कि जिस दिन वो लौटी थी उस दिन मंडप में कोई और नहीं तुम थी, वो भी उनके पति के साथ। ये सुनने के बाद में पूर्वी भी शॉक हो जाएगी कि साक्षी अब सब कुछ जान चुकी है, और इसके बाद पूर्वी साक्षी जी से बात करने के लिए उनके कमरे में जाएगी और उनके लिए खाना लेकर जाएगी, लेकिन कमरा बंद मिलेगा और पूर्वी उनका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन साक्षी दरवाजा नहीं खोलेगी क्योंकि साक्षी दुल्हन का अवतार लेकर पूरी सज धज कर पूरा श्रृंगार करके मौत को गले लगाने वाली होगी। दरअसल साक्षी खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाएगी क्योंकि उसे यही लगने लगेगा कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। उसका पति यानी वीरेंद्र उससे नहीं बल्कि एक मूलकी से पूर्वी से प्यार करने लगा है, और ये जानने के बाद साक्षी को बहुत गहरा सदमा लगेगा, इसीलिए वो ऐसा कदम उठाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। साक्षी अपने कमरे में बंद होगी और पूरी दुल्हन की तरह तैयार होकर चाकू से अपने हाथ की नस काट लेगी, और जब साक्षी दरवाजा नहीं खोलेगी तो पूर्वी जैसे तैसे करके साक्षी के कमरे में आएगी और वहां पर देखेगी कि साक्षी तो जमीन पर गिरी हुई है और उनके हाथ से काफी खून भी बह चुका है। ये देखकर पूर्वी के होश उड़ जाएंगे और पूर्वी जोर से चिल्लाएगी। उसके बाद वीरेंद्र और बाकी परिवार वाले भी वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस कदम के बाद क्या साक्षी की जान बच पाएगी। पूर्वी ही होगी जो साक्षी की जान बचाएगी, और साक्षी की अगर जान बचती है तो क्या वो वीरेंद्र से उसका प्यार छीन पाएगी, और क्या वो पूर्वी और वीरेंद्र को अलग कर देगी? तो दोस्तों आपको क्या लगता है मूलकी में आगे नया ट्विस्ट क्या आने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।